हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक टॉपिक समझने वाले हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स का, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसका यूज़ आपके इस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को समझने में आएगा और आगे हमेशा इसको आपको यूज़ करते रहना है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लिया जाए ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो इससे रिलेटेड। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का टॉपिक पता है तो आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के टॉपिक पर जा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात, ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम एक लेते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, हमने लिया एक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अभी जो फंक्शन है आपका वन वेरिएबल का, सपोज करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मैं आपको सीधा सीधा ये बता रहा हूँ यहाँ पर कोर जो जानकारी है कि इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है पार्शियल डेरिवेटिव की। तो ये देखो, अब मान लो आपको ये पता करना है कि इस फंक्शन में अगर मैं आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डी एक्स चेंज करूँ तो टोटल जो फंक्शन में चेंज आएगा, चेंज इन फंक्शन, वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपली इसको कहा जाता है डिफरेंशियल, कि चेंज इन फंक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि किस रेट से ये चेंज हो रहा है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स से, तो हमें इस फंक्शन में जो टोटल चेंज आया वो पता चल जाता है। इसको मैं अगर आपको एक फिजिक्स से समझाऊँ तो आप इसको अच्छे से आसानी से समझ सकते हो। मान लो कि आपसे ये पूछ, आपको दिया गया है s विच इज़ इक्वल टू 4t स्क्वायर ले लेते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आपको पता है जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इसकी क्या पता चल जाएगी, वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो आपको ये पता है कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, तो ये क्या है आपका चेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये है आपका टाइम, जितना टाइम लिया गया। ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस में कितना चेंज आया है। अब ये अगर मैं s के इस तरह से फॉर्म में लिखूं तो डिस्टेंस यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो आएगी ds, यानी इस फंक्शन में चेंज कितना आया वो किसके इक्वल होगा, कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। तो स्पीड कैसे पता करोगे, आपको इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस डी एस बाई डी टी, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि जितना टाइम इंटरवल है आपका डी टी से, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि टोटल चेंज इन डिस्टेंस क्या है, टोटल चेंज इन डिस्टेंस। तो उसी तरह से आर्बिट्रेरली, जैसे ये वाला फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो मैंने आपको जो नॉन एग्जांपल है आपको उससे समझाया कि आपका जो ये डिफरेंशियल क्या होता है, यानी जो फंक्शन में टोटल चेंज आया है बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे क्या चेंज आया है, तो वो इस तरह से आपको पता चलता है। तो उसी तरह से जब कोई भी फंक्शन लिया ऑफ आर्बिट्रेरी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, तो उस फंक्शन में जो टोटल चेंज आएगा डी एक्स चेंज से, यानी अगर वेरिएबल जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो उस चेंज से आपके फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है वो आपको इस इक्वेशन से पता चलता है। और इस डी एफ को हम कहते हैं डिफरेंशियल। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल। उसी तरह से जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आता है, तो आपको पता है जब फंक्शन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है और अगर दोनों वेरिएबल हमने चेंज किए हैं, तो हमें दोनों वेरिएबल के वजह से कितना कितना चेंज आया उसी से पता चलेगा कि फंक्शन में टोटल चेंज कितना आया या डिफरेंशियल कितना है। अब देखो, मैं यहाँ पर अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा दिमाग में समझ में ना आया अभी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जस्ट आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। अब देखो, मान लेते हैं कोई फंक्शन है ये, और ये जो फंक्शन इस तरह के होते हैं, ये फंक्शन होते हैं दो वेरिएबल्स के। तो एक तो आपको ये भी पता चल जाए कि दो वेरिएबल के फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यानी देखो यहाँ पर ये आपकी x एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू जा रही है और यहाँ पर y की वैल्यू जा रही है, तो इस फंक्शन में x और y की वैल्यू एक साथ जाती है, और ये जो आप एक्सिस देख रहे हो यहाँ पर आपको एफ एक्स वाई की वैल्यूज मिलती है, मान लेते हैं ये z के इक्वल है। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है आपका, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मान लो कि मैंने ये डिस्टेंस चली,
अब ये डिस्टेंस चलने में मुझे पता है कि मैं एक्स की तरफ भी बढ़ा और वाई की तरफ भी चेंज आया, तो यानी डी एक्स और डी वाई दोनों चेंज आया था। हमें ये पता करना है कि इस चेंज से, ये जो आपका चेंज आपका आया है डी एक्स और डी वाई चेंज करने से, मतलब इसके इंडिपेंडेंट इन दोनों में चेंज करने से आपका जो टोटल फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन में टोटल चेंज क्या आया, यानी हमें यहाँ पर डिफरेंशियल पता करना है। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपको ये पता करना होगा कि dx जो चेंज हुआ उसके वजह से फंक्शन में कितना चेंज आया, साथ ही साथ जो dy चेंज किया उससे फंक्शन में कितना चेंज आया, देन उन दोनों को जब हम सम कर देंगे तो हमें टोटल चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशियल निकालोगे ना तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आप देखोगे कि चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये साइन होता है पार्शियल डेरिवेटिव का। पार्शियल डेरिवेटिव का साइन क्या है आगे हम बताएंगे आपको, बट अभी हम क्या जान रहे हैं रीज़न कि हम क्यों यूज़ करते, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें इसकी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे डी एक्स के, जैसे यहाँ पर हमने किया था कि एफ़ को एक्स से अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको चेंज पता चलेगा फंक्शन में। उसी तरह से हमने एफ़ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, साथ ही साथ हमने वाई में भी चेंज किया है। तो यहाँ पर एफ़ हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन वाई के डायरेक्शन में किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वो चेंज रेट हमें यहाँ से पता चल गया। और हमने जब इसको डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चला कि डी वाई के चेंज होने से जो टोटल फंक्शन में चेंज आया उसमें उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल डिफरेंशियल आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ हमें ज़रूरत पड़ी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे साइन क्या हैं और क्या मतलब है कि हम फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने आपको पता है कि जब इस तरह से आप फंक्शन लिखते हो, जैसे वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में किया आपने। तो यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो यहीं से हम शुरू करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के। तो कुछ नोटेशंस हैं, सबसे पहले क्या है कि कंसीडर करिए एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस बच जाती है कि आपको क्या करना है, वाई को कांस्टेंट मान लेना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट। ठीक है, एंड अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय, ये देखिए। तो ये वाला जो साइन है इससे ये पता चलता है कि हमने फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, और जैसे मान लो मैंने इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो इसका मतलब ये होगा कि अदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जो कि इस केस में सिर्फ वाई है क्योंकि यहाँ पर हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो अदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको हमने क्या माना है, हमने उसको कॉन्स्टेंट रखा है। तो इसको याद रखने के लिए कि हमने वाई को यहाँ कॉन्स्टेंट रखा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन बना के और यहाँ पर नीचे वाई लिख देते हैं, इसका मतलब कि वाई कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक और चीज़, अब मान लो कि मैंने कहा कि जो एफ एक्स है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो उसमें क्या करेंगे आप, एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, आप इसको लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y इज, क्या करेंगे इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में कीपिंग x कांस्टेंट। यहां पर शायद आपको ना दिखा हो, यहां लिख देते हैं कीपिंग x कांस्टेंट। तो बहुत ध्यान से देख लो आप इस नोटेशन को, यहां पर इसका मतलब कि इस फंक्शन को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और यहां पर y को कांस्टेंट रखा है इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और ये वाला जो है इसमें हमने एफ को डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो इसको डिनोट करने का एक और तरीका है, सीधा हम एफ लिखेंगे और यहाँ पर एक्स लिख देंगे, एफ सब एक्स, और ये
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f सब y, तो इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और यहाँ पर आपने फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स की, यह है आपका फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जब मैं कहूँ आपको कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आपको y और z को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब ये कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है ये जब मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी नोटेशन को समझ लो, तो हम उसको लिखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट। और इस केस में भी आप यहाँ पर एफ सब एक्स लिख सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर अंडरस्टूड है कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, तो वाई और जेड को हमें कॉन्स्टेंट रखना होगा। तो जैसा आपको सही लगे, और जिस सिचुएशन में मान लो कि आपने कुछ एग्जामिनेशन में कुछ लिखा और आप ये नहीं चाहते कि एग्जामिनर को कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो उनकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब क्या है कि आपके मार्क्स उनके कन्वीनियंस पर ही डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। अब आपने ऐसे लिख दिया और उनको समझ में ना आया और उन्होंने कुछ गलत समझ लिया इससे, ठीक है, तो फिर आपके मार्क्स गए, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हो, अपने लिए ऐसे लिख लो औरों के लिए इस तरह से लिख लो। अब अगर मैं, तो ये क्या है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, उस केस में हम एक्स और जेड को कांस्टेंट रखेंगे और इसको हम एफ वाई से डिनोट कर सकते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, यहाँ पर वाई और एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और इसको हम लिख देंगे एफ जेड। तब आपको ये पता है कि इन सब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएगी जिसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, आपको डिफरेंशियल निकालना है, टोटल चेंज इन फंक्शन ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, अगर वो निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तो उसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो आपने अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बताता है कि चेंज रेट ऑफ एफ इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि अगर मैं एक्स को चेंज करूं तब फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, और उसमें हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं अदर वेरिएबल्स को, ठीक है। उसी तरह से ये बताता है आपको चेंज रेट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, कि वाई की डायरेक्शन में अगर आप चेंज करते हो कुछ भी तो फंक्शन में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए हम कहते हैं कि दूसरा जो वेरिएबल है उनके वजह से कितना चेंज रेट आ रहा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उनका क्या चेंज रेट है उसको हम इग्नोर करते हैं, जस्ट क्योंकि देखो हम कर भी क्या सकते हैं, हम एक साथ तो दोनों चेंज रेट लेके चल नहीं सकते, तो उसको अलग अलग ही हमें करना होगा। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ होता है। जब अभी ग्रेडियंट में भी आप देखोगे कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव इवेल्यूएट अगर करने नहीं आता ना, नहीं निकालने आता, तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे कुछ एक भी, इसलिए मैंने इसको पहले कराया है। चलो तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मान लो कि थ्री डायमेंशनल, मतलब आपको तीन वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि उसमें टोटल चेंज कितना आएगा, फाइंड डी एफ, मतलब डिफरेंशियल ऑफ एफ यानी टोटल चेंज इन एफ, इफ वी चेंज एक्स वाई एंड जेड बाय डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, तो अगर आप एक्स वाई जेड में स्मॉल चेंज करते हो तो उसके वजह से फंक्शन में कितना चेंज आएगा, तब आप सिंपली इसको बहुत ही आसान से लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, यह क्या है डिफरेंशियल चेंज रेट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और इस केस में तीनों, मतलब जो दो अदर वेरिएबल्स बचते हैं इच केसेस में, उनको हम क्या कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ नोटेशन, कैसे हम इसको लिखते हैं और इसका क्या यूज़ है क्या है। अब आ जाते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर।
ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको आप कांस्टेंट मान लेते हैं, और अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में करते हो तो जो अदर वेरिएबल एक्स है उसको आप कांस्टेंट मान लेते हैं। देन ऑर्डिनरी जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, उसी से आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हो फंक्शन को। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में आगे। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन वहाँ पर हमने किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे अभी। तो देखेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। आपको पता है जब आपका फंक्शन एक वेरिएबल का होता है तो उसके डिफरेंशिएशन, जो उसका डिफरेंशिएशन होता है डी एफ बाई डी एक्स, वो आप जानते हैं वो किसके इक्वल होता है, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सिंपल ये डिफरेंशिएशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, ये है, आपको पता है ये। अगर आपको पढ़ना हो तो मैं एनसीईआरटी में भी है ये, आपका डिफरेंशिएशन का चैप्टर जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा, कहते हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब एक फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है जो एक वन वेरिएबल का है, तो उसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह का लिखा होता है। बट हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स की। तो अब हमने, अब देखो, मैंने एक फंक्शन लिया एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स का, ठीक है, और मुझे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो अदर वेरिएबल्स हैं वो तो हम कांस्टेंट ही मानेंगे ना, क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो मान लो कि मैंने एक्स वाई जेड ये एक तीन वेरिएबल का फंक्शन लिया है, तो अगर मुझे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही हो जाएंगे क्योंकि हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। जब कांस्टेंट मानते हैं तो सिंपली इस रूल से भी, तो सिंपली हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, डी एक्स सीधा नहीं लिख सकता मैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख सकते हैं ना, क्योंकि अदर को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, तो फंक्शन तो ये एक ही वेरिएबल का रह गया उस पर्टिकुलर केस के लिए। तो अब सिंपली यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि जस्ट हमने एक्स के अंदर चेंज किया और वाई और जेड में कोई चेंज नहीं है, माइनस में एफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो जब मोर देन वन वेरिएबल्स है तो उस केस में भी कुछ इस तरह का ही आपको ये देखने को मिलता है। देखो, मान लो ये फंक्शन है दो वेरिएबल का, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वाई कांस्टेंट होगा, वाई में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर किस में चेंज आ रहा है, यहाँ पर एक्स में ही चेंज आ रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, और माइनस में आपका एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वहीं पर अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना हो वाई के रिस्पेक्ट में, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम लेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो ये फंक्शन तो एक ही वेरिएबल का रह गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस में एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ठीक। इन दोनों डेफिनेशन को देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपको वन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है वो पता होगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो, ज़्यादा डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, अगर ये सब अभी आपको ज़्यादा सेंस नहीं दे रहा है तो माइंड पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है, आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। बट एट द एंड आपको क्या करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो अब आ जाते हैं हम कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर, मतलब आपका काम अभी यही है, आपको किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं है मेरी तरह, ठीक है। तो अगर आपको अभी ये क्लियर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ये सब भी क्लियर होता जाएगा। तो ज़्यादा लोड मत लेना इसका, हमारा मतलब आपका काम ये है कि आप किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सको, वो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे,
ऑब्टेन ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं आपको ये कह रहा था कि आप अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z को कांस्टेंट मान लो तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो सकता है, पहली बार देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फंक्शन में एक्स और वाई दोनों ही क्या हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनके वजह से फंक्शन में चेंज आएगा दोनों के उससे। अब इसने कहा है कि ऑब्टेन ऑल द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आप इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, या आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको हम कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब कि एफ को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और यहाँ पर हम वाई को क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे। अब देखो वाई को कॉन्स्टेंट रखने का मतलब क्या है, अगर हमने y को एक कांस्टेंट रख लिया तो वाई स्क्वायर भी एक कांस्टेंट होगा। अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है आप कांस्टेंट को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते, जैसे 5x² है। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 इधर रखोगे और डिफरेंशिएट किसको करोगे, एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमें वाई क्यूब को और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं करना है, इनको अवॉइड कर देना है। तो सिंपली अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्यूब इग्नोर कर दिया क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको, एक्स स्क्वायर को, फिर प्लस में माइनस है सॉरी। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर को इग्नोर करेंगे और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव किया है, मैंने कोई पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ नहीं, क्योंकि जिस वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मतलब जिस फंक्शन को, एक एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन है वो वन वेरिएबल का फंक्शन है, हम इसको डिफरेंशिएट वन वेरिएबल के फंक्शन के हिसाब से ही करेंगे। तो ये आ जाएगा वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस में वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x² स्क्वायर। सिंपली किसके इक्वल आया, 2xy³ माइनस 3y² x² स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे बोले कि अब आप एफ ऑफ वाई निकालिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और एक्स को यहाँ पर हम कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है क्या था, ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ पर आपका है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो अब अगर आप एक्स को कांस्टेंट मानते हैं तो एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स क्यूब भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इन कांस्टेंट को वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसको हमने क्या, ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है अवॉइड कर दो, डिफरेंशिएट करना है आपको, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करना है वाई क्यूब का, और यहाँ माइनस में एक्स क्यूब अगेन एक कांस्टेंट है, इसको हम नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा डी वाई वाई स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3y² के और माइनस एक्स क्यूब 2y के, ये इक्वल आया आपका 3x² y² माइनस 2x³ y। तो ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई वेल कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब होता है कि जब आप f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप जो अदर वेरिएबल्स हैं उसको क्या कहोगे कि वो क्या हैं, कांस्टेंट है, आप उनको कांस्टेंट मानेंगे।
तो कांस्टेंट मानोगे तो पता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 कांस्टेंट है, जब इस पूरे को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम 5 को डिफरेंशिएट नहीं करते, सिर्फ एक्स स्क्वायर को करते हैं, ठीक है। ये जनरल आपका सिंपल सा रूल है डिफरेंशिएशन का, और आई होप आपको ये, आप सबको ये अच्छे से पता होगा। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं आपको, वो आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, 2x² yz t³। अब आप ये बताइए कि इसने कहा है कि ऑप्टेन ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो इसके कौन कौन से पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। सबसे पहला, अब इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर हम इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में। तो इसमें से मैं एक आपको करके बता देता हूँ, देखो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उस केस में y, z और t, इन तीनों को आप क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y व्हाइल कीपिंग y, z एंड t कांस्टेंट किसके इक्वल होगा। अब ये देखो, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए, 2 भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ना 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, y, z, t क्यूब भी छोड़ देंगे, और सीधा हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 2yz t³ 2x, और 2 यहाँ से हटा दो, यहाँ पर 4 कर देते हैं इसको, ये कुछ आएगा आपके पास 4yz t³x, ठीक है। ये आ जाएगा इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। अब क्या है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, आपको जैसे ही आप नोट्स देखोगे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और चारों के चारों करने हैं, और आपको मुझे भेज देना है, ठीक है। ऐप के अंदर ही चैट का जो ऑप्शन है उसके अंदर आप मुझे सारे क्वेश्चन करके भेज दोगे। नहीं करते हो तो आपका नुकसान है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपके पीछे लगा रहूँगा कि आप इसको करो, ठीक है, करके आप भेज देना, और मर्जी है आपकी, करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे तो दिक्कत आपके लिए ही आने वाली है। चलो अभी तक हमने समझ लिया पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, अब क्या होता है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव को भी हम फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे वो देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, देखो जरूरत तो अभी हमें है नहीं, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी, तो जब एक बार स्टार्ट किया है तो कर ही लेते हैं अच्छे से इसको, थोड़ा 15-20 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, देखो सपोज करो, अच्छा इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, एक फंक्शन है ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल, आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया, तो अगर आप उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो हम उसको कहते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यानी दो या दो से ज़्यादा जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे उसको हम क्या कहेंगे, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, तो सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन है ऑफ 2 वेरिएबल fxy, ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे f के रिस्पेक्ट में, मान लो कि आपने पहले इसको क्या किया, f ऑफ x निकाला, यानी इसको आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में वाइल कीपिंग y कांस्टेंट, तब आप इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ये ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव है, उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है।
ये ऑलरेडी हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया था, उसके बाद फिर से हमने किया, और इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो कि आपने इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो ये y आया। अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये होगा, एक मिनट, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक बार जो आपने f का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, उसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू y या पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरह से लिखते हैं, और अगर आप इस नोटेशन में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स एक्स, और इसको आप लिख सकते हो एफ वाई वाई। तो एफ एक्स एक्स का मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर दो बार इस फंक्शन को हमने पार्शियली डेरिवेटिव किया है। तो और देखो, इस फंक्शन को मान लो पहली बार हमने एक्स से डिफरेंशिएट किया, तो वो फर्स्ट पहले हम उसको यहाँ लिखते हैं, फिर जिससे दूसरी बार करेंगे उसको उसके आगे लिखते हैं। तो इस तरह जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, मान लो फिर मैंने इसको वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो मैं यहाँ पर वाई लिख दूंगा थर्ड नंबर पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई, और मैंने यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ वाई एक्स, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने इस फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन आया उसको हमने फिर से वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। तो ये कुछ इसके इस तरह से आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में। ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एफ, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये देखो, इसमें पता चल रहा है कि हमने एफ को पहले वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, फिर उसके बाद में हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये आ जाएगा स्क्वायर एफ। अब जब आप एग्जाम्पल करेंगे इसका, तो उस एग्जाम्पल में आप ये पाएंगे, अगर आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दिया जाए, तो आप पहले आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालते हो एफ एक्स वाई और फिर एफ वाई एक्स, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो एफ एक्स वाई है वो इक्वल होता है एफ वाई एक्स के। ठीक है, हमेशा ऑलवेज ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन को आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, और फिर उसी फंक्शन को पहले वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो दोनों जो डिफरेंशिएशन आएंगे वो सेम आएंगे। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देख लिया, इसका नोटेशन क्या है वो भी देख लिया। ठीक है, आप इस तरह से लिखते हैं एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स। तो अब के बाद से जब भी मैं आपको शॉर्ट में लिख के बताऊं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, क्या प्रैक्टिस करोगे तो ये आ ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसके भी जो, देखो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दूंगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दूंगा, आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव दोनों ही यहाँ पर आप निकालेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मैं अभी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो इसमें है कैलकुलेट ऑल सेकंड ऑर्डर, ज़्यादातर हमें सेकंड ऑर्डर तक की ही ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जब आपको फर्स्ट ऑर्डर का पता है, सेकंड ऑर्डर का पता है, तो आपको कितने ही ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव दे दिया जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो आप अपने लिए थोड़ा इसको मुश्किल बना सकते हो। बोलोगे ठीक है, मैं फोर ऑर्डर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये देखो, कैलकुलेट ऑल सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। तो पहला फंक्शन हम लेते हैं यहां पर
ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब सबसे पहला काम ये होता है ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बताना कि कितने सेकंड ऑर्डर, कौन कौन से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे। मतलब इसने बोला कैलकुलेट ऑल, तो उन ऑल में कौन कौन से होंगे। तो देखो इस फंक्शन को पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर इस फंक्शन को आप वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो और फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, फिर आप इस फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो देन फिर वाई के रिस्पेक्ट में करो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और फिर आप इस फंक्शन पहले y के रिस्पेक्ट में करो देन उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। फंक्शन को नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव आया है उसको। अब आपको x x y y x y y x क्या है ये सब मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। चलो तो अब फाइंड करते हैं हमारा फंक्शन क्या है। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पता होना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा, तो जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अगर आप वाई कांस्टेंट है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तब हर बार इसको आपको यहाँ से कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब अंडरस्टूड है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वाई कांस्टेंट रखा, तो ई की पावर कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ई की पावर माइनस वाई को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, फिर हम सीधा एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, वो आएगा 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारा ये है, अब इसके जगह पर हमारा इसके इक्वल है तो यहाँ पर ये लगा दिया। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है अगेन, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट है क्योंकि वाई कांस्टेंट है। अगेन देखो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, नया फंक्शन आया हमारे पास, उसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए हम वाई कांस्टेंट रखेंगे अगेन। तो ये वाई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो ये पूरी की वैल्यू कांस्टेंट, तो अगेन ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। और एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, तो सिंपली एफ ऑफ एक्स एक्स आ जाएगा आपके पास 2e की पावर माइनस वाई। फिर वाई वाई तो आसान है, वो भी आप कर लोगे। मैं आपको बताता हूँ एफ ऑफ वाई एक्स। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, देन उसके बाद आपको जो डेरिवेटिव आया y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको f y पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, हम x को कांस्टेंट रखेंगे, तो x यहाँ पर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम करेंगे e की पावर माइनस वाई को डिफरेंशिएट। तो आपको पता है e की पावर माइनस वाई को डिफरेंशिएट अगर आप करोगे, तो मैं साइड में कर देता हूँ इसे, डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल होगा e की पावर माइनस वाई, देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको नेगेटिव ऑफ वाई को भी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई की पावर वाई। तो ये आपका आ रहा है नेगेटिव ऑफ ई की पावर माइनस वाई। हाँ ठीक है, तो इसकी इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हमें किसको, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई कांस्टेंट रखेंगे, तो वाई कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, तो सिंपली ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमें सिंपली यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2x ई की पावर माइनस वाई। क्लियर है, अभी मेरे करने से आपको एक आइडिया लगेगा, फुल अंडरस्टैंडिंग जब आप खुद सॉल्व करेंगे उसके बाद आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको एफ ऑफ एक्स एक्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कैसे निकालेंगे ये आपको बता दिया। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना जो पहले लिखा है उसके रिस्पेक्ट में हम पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, और जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में बाद में करते हैं, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक के लिए बहुत इनफ हो गया है पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक, ठीक है। और मैं आपको इसके
क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ पर बोले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख देता हूँ और आप उसको कर लेना, ठीक है? और कर लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी भी आगे पार्शियल डेरिवेटिव के टॉपिक को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो ज़रूर कर लेना, और मर्ज़ी है आपकी, करो या मत करो, बट कर लेना, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।